नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में। आज हमारे साथ में यहाँ के व्यापारी विजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि आज मंडी के अंदर गेहूँ के कितनी आवक है और क्या भाव गेहूँ के हैं। सबसे पहले तो सर आपका मार्केट टाइम टीवी में स्वागत है। आज मार्केट के अंदर कितनी बोरी सर गेहूँ की आई है और क्या भाव है? सबसे पहले तो मैं मार्केट टाइम टीवी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, जो समय समय पर आकर मंडी में किसानों की व्यापारियों की सारी भावों की जानकारी देकर और सबको प्रसारित करते हैं। आगे मंडी में गेहूं की अराइवल करीब 2 से 3 हज़ार कट्टे की चल रही है। भाव 2350 से 2450 तक के हैं। अभी आवक कोई खास बात नहीं है, किसानों में शादी ब्याह का माहौल भी है, इसलिए आवक थोड़ी सी कम ही चल रही है और भविष्य में हो सकता है इसमें थोड़ा सा भाव में भी फायदा हो और आवक भी थोड़ी सी बढ़ेगी। अभी अगर अपन महीने या 15 दिन पहले की बात करें तो कितनी आवक थी गेहूँ की और क्या भाव थे उस टाइम? उस टाइम भाव 2250 से 2275 के थे और आवक थी करीब 7 से 10 हज़ार। तो कारण कम होने का क्या रहा? आवक कम होने का कारण उस टाइम क्या है, किसान का माल सीधे खेतों से आ रहा था। अब किसान का माल है जो घर में चला जाता है, वो आराम से उसकी जरूरत के अनुसार ही आता है। अभी MSP की बात करें तो क्या MSP चल रही है? MSP है 2275, 125, 2400 रुपये है, लेकिन MSP के समतुल्य ही बाजार है। अब MSP के समतुल्य बाजार है तो इसको किसान को लग रहा है कुछ और बाजार बढ़ सकता है, तो बाजार बढ़ने पर ही आवक बढ़ेगी। पिछले साल की तुलना की अगर बात करें और इस साल की तुलना में बात करें तो कितना गेहूँ लगभग मंडी में आया? पिछले साल की इस पीरियड में से अब की बार 10% ज़्यादा माल आ गया। अच्छा, तो किसानों को भाव कैसा मिला आपकी? बहुत अच्छा मिला, करीब 200 रुपये तेज है पिछले साल से। अगर ग्रेडिंग गेहूँ की बात की जाए तो उसकी क्या स्थिति है? ग्रेडिंग गेहूँ 2600 से लेके 3100 रुपये तक के भाव है, क्वालिटी के अनुसार। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं ये ग्रेडिंग के? लोकल जो गेहूँ अलवर के हैं वो तो 2600 से 2700 रुपये के भाव है, और जो ये MP कोटा 12 लाइन के आते हैं वो 3100 से 3200। अभी अगर गेहूँ की बात की जाए तो किस तरह की क्वालिटी नज़र आ रही है? क्वालिटी ठीक है, इस बार अच्छा पका हुआ है गेहूँ का, क्वालिटी भी अच्छी है और खाने वालों को भी अपनी सही रेट में गेहूँ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी अगर अपन अभी सरकार से आप किस तरह की अपील करना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? सरकार से अपील यही है कि व्यापारियों को भी थोड़ा सा वो मिले, किसान को भी और थोड़ा सा भाव मिले, साथ में खाने वाला का भी है कि उसका भी देखा जाए। तो इसलिए गेहूँ में इस बार किसी को परेशानी नहीं, खाने वाले को भी ऊँचा नहीं है तो बेचने वाले किसान को भी कोई दिक्कत नहीं, भाव समतुल्य है। तो अभी कोई गिरावट नहीं, गिरावट की कोई संभावना नहीं है, थोड़ा थोड़ा हो सकता है बाजार हल्का सा अप हो जाए। तो अभी आपको क्या लगता है कि अब उम्मीद है क्या बढ़ने की? हाँ, थोड़ा सा 150 रुपये मैंने 20 दिन में बढ़ने की उम्मीद है। अच्छा, तो अभी जैसे अपन बात कर रहे हैं कि गेहूँ जो है वो कौन कौन से क्षेत्र से आता है अपने? गेहूँ अपने यहाँ सारे क्षेत्रों से ही आता है, चारों तरफ से आता है गेहूँ में। अपने इधर बड़ौदा में लाइन से भी आता है, इधर मालाकेड़ा लाइन से आता है, किशनगढ़ लाइन से भी आता है, रामगढ़, नौगावा, चारों तरफ से आता है, बांबूली है, मूनपुर है, चारों तरफ से आता है। तो ये कहाँ जा रहा है यहाँ से? अभी सारे आटा फैक्ट्रियों में जा रहा है, जो अलवर में काफी बढ़िया आटा। अभी कोई व्यापारी ने भी कोई स्टॉक किया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, व्यापारी अपनी थोड़ी बहुत जो है ऐसा लगता है कि भाई है, कोई ने 100 कुंटल, कोई ने 200 कुंटल, किसी ने 500 कुंटल, ज्यादा स्टॉक नहीं किया। और मील वाले भी कर रहे हैं क्या? मील वाले भी ऐसा नहीं किया है, उन्होंने कम से कम 10 दिन की तो उनको जो कंजप्शन है उसका तो स्टॉक करना भी चाहिए। ये हमारे साथ में आके व्यापारी विजय कुमार जी मौजूद थे, उन्होंने हमको बताया कि गेहूँ की जो आवक है मंडी के अंदर, पहले जो आवक हुआ करती थी वो अब आवक बिल्कुल कम रह गई है। अब मंडी में मुश्किल से 2 से 3 हज़ार बोरियाँ जो कट्टे हैं वो गेहूँ आ रहा है, लेकिन फिलहाल जो भाव है वो भी ठीक ठाक है, लेकिन आने वाले समय में किस तरह गेहूँ के भाव में तेजी देखी जाएगी वो आने वाला समय बताएगा। नितिन शर्मा, अलवर।